वैशाली से बड़ी खबर है। वैशाली के मानसूनपुर के कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया और आग इतनी भयंकर थी कि दूर तक इसकी लपटें नजर आई। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बिहार की तस्वीर, वैशाली से एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। लाल जिस तरह से यहाँ पर आग लगी उसके बाद में यहाँ पर हड़कंप मच गया, यहाँ पर भीषण आग से कैसे स्थिति चिंताजनक बनी हुई थी। कबाड़ गोदाम था आग लगी, आग पर काबू पाने की कोशिश करती हुई फायर ब्रिगेड की टीम नजर आई। पटना से दमकल की गाड़ियां देखिए यहाँ पर पहुंची थी, जिन्होंने आग बुझाने के प्रयास यहाँ पर किए। कोशिशें जो हैं आग बुझाने की वो अब भी जारी हैं। तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं, धुएं का गुबार उठता हुआ। बिहार के वैशाली से दरअसल ये खबर आई, जहाँ एक कबाड़ का गोदाम था जो आग की चपेट में आ जाता है और पूरा का पूरा गोदाम इस आग में खाक हो गया। तो काला धुएं का गुबार जो दूर से नजर आ रहा है, दरअसल ये कबाड़ गोदाम में लगी आग की तस्वीरें हैं। दूर से ही आग की लपटें जो है वो नजर आ रही थी। वहां पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। सिर्फ वैशाली नहीं बल्कि पटना से भी फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया आग पर कंट्रोल करने के लिए। बरखा बिल्कुल है ना, इस तरह की स्थिति बन गई थी कि ज्यादा दमकल कर्मियों की जरूरत वहां पर थी। अभी आप तस्वीरें देखेंगे तो समझ में आएगा कि आखिर हालत कितने ज्यादा हालात वहां पर भयावह है। कबाड़ का गोदाम था तो और ज्यादा भीषण तरीके से ये पूरी की पूरी आग जो है वो फैलती चली गई। आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल इस दौरान था। दो तस्वीरें इसी बीच में हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। आग जब लगी तो किस तरह से काले धुएं का गुबार आसमान में छाया हुआ था, लोगों की भीड़ यहाँ पर लग गई थी सड़क पर, यातायात उसके बाद और ज्यादा प्रभावित होता हुआ आवाजाही में नजर आया और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत यहाँ पर अपनी जारी रखी है ताकि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए। क्योंकि कबाड़ का गोदाम था इस वजह से देखते ही देखते आग और भी ज्यादा बढ़ती चली गई, धुआं और भी ज्यादा विषैला होता हुआ नजर आया। क्योंकि जिस जगह पर आग लगी थी इसका धुआं काफी दूर तक फैला, वहां पर लोगों को सांस लेने में परेशानियां पेश आ रही थी ये भी बताया जा रहा है। दो तस्वीरें हैं, देखिए दोनों ही तस्वीरें यहां पर स्थिति को दर्शाती हैं किस तरह से ये हादसा हुआ है। क्या इस पूरे हादसे में, इस पूरी घटना में कोई जानमाल का नुकसान हुआ है, जनहानि हुई है, फिलहाल ये कुछ देर के बाद जांच में पता चलेगा। लेकिन आग पर काबू पाने की कोशिशों में लगातार दमकल की टीम जुटी हुई है।